रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम को, राम भद्र को, रामचंद्र को, रघुनाथ नाथ को, सीता जी के पति को नमस्कार है। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विनोद निरादे सरगम में। कई लोग रोगों से परेशान रहते हैं, बार बार और जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। शारीरिक पीड़ा उनका पीछा नहीं छोड़ती। गठिया या वात रोग से पीड़ित लोग सर दर्द, जोड़ों का दर्द या गले की समस्या से भी परेशान रहते हैं। आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। इन सभी या किसी भी अन्य रोग से मुक्ति पाने के लिए करें श्री हनुमान बाहुक का पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक स्तोत्र बेहद शक्तिशाली है। मान्यता है कि तुलसीदास जी को शारीरिक पीड़ा, वात रोग के कारण शरीर की जकड़न आदि होने पर तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की थी। इस स्तोत्र का पाठ करने से तुलसीदास जी के शरीर के सभी कष्ट और रोग दूर हो गए थे, इसलिए शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान बाहुक का पाठ करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही लंबे समय से अटके काम भी पूरे होते हैं। अब बात करते हैं हनुमान बाहुक पाठ की विधि क्या है। मंगलवार के दिन से पाठ आरंभ करें। बिल्कुल शुद्ध होकर यह पाठ किया जाता है। 21 दिन तक लगातार पाठ करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी इस पाठ को करने में सक्षम है। पाठ आरंभ करने से पहले एक लोटा जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें। पाठ पूरा हो जाने के बाद जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है उसको वह जल ग्रहण कराएं। माताएं अगर अपने बच्चों के लिए यह पाठ करना चाहती हैं तो जल बच्चों को ग्रहण कराएं और हनुमान जी की मूर्ति जो आपने पूजा में रखी है उनको बिल्कुल भी स्पर्श न करें। 21 दिन तक लगातार शुद्ध होकर श्री हनुमान बाहुक का पाठ करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यह पाठ हिंदी में लेकर आएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।